कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये कहानी और ये कोट केश जी हैं जो समीक्षा अधिकारी पे सूट कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे एडा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग जो UPPCS को लेकर के, वीडियो के एग्जामिनेशन को लेकर के, रिव्यू ऑफिसर्स को लेकर के, समीक्षा अधिकारी को लेकर के जो हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारे क्लासेस के स्टूडेंट्स, हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट काफ़ी सिलेक्टेड होते हैं, और उसी के क्रम में हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं उनकी इंटरव्यू हम आपके सामने लेकर के आएँ, और साथ ही साथ आप इनकी कमियों से, इन्होंने जो एक अपने तरह से जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है उनको आप इन्हीं की जुबानी समझ सुनिए, ताकि आपको भी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में और आपको अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये रैंक 31 है, मिस्टर मुकेश कुमार, इन्होंने रैंक 31 2021 का जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम्स हुआ था इन्होंने रैंक 31 प्राप्त किया है। और अब चलिए इनसे हम इन्हीं की जुबानी, इनके इन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, इन्होंने जो अपने तरीके अपनाए हैं उसे कुछ सीखने की कुछ प्रयास करते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि देखो कंटेंट हर किसी के पास है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कंटेंट सभी के पास है। आज IT का ज़माना है, डिजिटल दुनिया है, सभी के पास सभी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। अब ये कहना कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, गाइडेंस अच्छा नहीं है, मार्गदर्शन आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, या आपको कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं मिल रहा है, अब वो बहाने नहीं बना सकते आप, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियोस को ज़रूर देखो, क्योंकि देखो हर किसी की सफलता होती है, किसी को जल्द मिलती है, किसी को समय लगती है। तो मैं कहता हूँ ना कि मेरी तरह मेरी सफलता भी जिद्दी है, थोड़ी ठहर कर आएगी लेकिन जरूर आएगी। तो चलिए वेलकम करते हैं एडा वर्ल्ड में हम मुकेश जी का, और इनसे जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एडा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, और आपकी सफलता के लिए एडा वर्ल्ड की टीम की तरफ से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो आगे का जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें भी हम लोगों की तरफ से जो भी मदद आपको मिलेगी हम बेहिचक करेंगे, जैसे आप सभी को करते आए हैं। आपकी आपसे मैं दो तीन चीजें पूछूंगा, खास करके आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के आप देखते होंगे कि किस प्रकार से कंटेंट्स को लेकर के या तैयारी को लेकर के, एक होता है ना कि टीचर कोई बात समझाता है और एक वो बच्चा जो क्वालिफाई कर गया है वो समझाता है, तो चीजों में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप मुकेश जी अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम मुकेश गुप्ता है और मैं जौनपुर जिले का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे ग्रेजुएशन पर से ही हुई है, और ज़्यादातर मैं सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा हूँ। हिंदी माध्यम मेरा बैकग्राउंड रहा है, जिससे कि मुझे इस परीक्षा को पास करने का। तो अभी किस पद पे आप चयनित हुए हैं अभी? सर समीक्षा अधिकारी सचिवालय, मेरी रैंक 31 है, 31 में 2021 ये 2021 की परीक्षा थी। अच्छा जो लोक सेवा आयोग आयोजित करता है। ओके ओके, तो मुकेश जी आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, 2017 में मेरा प्रीलिम भी नहीं हुआ था, तब मैंने तैयारी शुरू ही की थी, तो उसके बाद ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट 2021। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट था। तो मतलब आपने कैसे किया, जैसे आप जैसा कि जो समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है तो उसमें आप हिंदी को लेकर के बाकी जो पेपर्स, अपने कैसे किया तैयारी, कुछ उसके बारे में बताइए, ताकि स्टूडेंट्स को ना थोड़ा एक गाइडलाइंस मिल जाए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि कंटेंट इतना ज्यादा है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि क्या छोड़े और क्या पढ़े, है ना, तो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके केस में आप अपने कैसे रिसोर्स को आपने फिल्टर किया और कैसे उसको यूटिलाइज किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। मैं सबसे पहली बात तो आपको हिंदी में थोड़ा डैप्ट होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कुशल रहेंगे, निपुण रहेंगे हिंदी में तो और अच्छे तरीके से आप तैयारियां कर सकते हैं। और जहाँ तक कंटेंट और मटेरियल की बात है, वो तो काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे क्लासेज हैं जो मतलब कंटेंट और मटेरियल अवेलेबल कराते हैं रिगार्डिंग इस एग्जाम्स के। तो इसमें सबसे बड़े है कि सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं आपकी सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ेंगे, जो अच्छे कंटेंट होते हैं अच्छे कोचिंग्स के उनको आप उपयोग करेंगे सेलेक्टेड मटेरियल से। ऐसा नहीं कि मतलब जितने भी मटेरियल्स उसको पढ़ने का परसू करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका हमें लाभ, जो कहते हैं कि आउटपुट हमें नहीं मिलता है अच्छा। इसके लिए आप सेलेक्टेड मटेरियल कोचिंग से पढ़ेंगे जो इसी एग्जाम पर फोकस करते हैं, तो इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसमें जो है कि हिंदी पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है,
जैसे कि इसमें हिंदी का अलग से ही पेपर होता है, प्री में और मेंस में, दोनों में हिंदी की अच्छी खासी वेटेज होती है, तो उसको ठीक ज्यादा ठीक ध्यान देने की जरूरत है, उसको हम इजिली तो मतलब स्किप नहीं कर सकते। हिंदी के लिए मतलब आपने कैसे एराबल से क्या कुछ मदद मिल पाई थी आपको, टेस्ट वगैरह जो आपने लिखा था या क्लासेस जो भी किया था आपने, तो उसमें क्या आपको कुछ बेनिफिट्स लगा था हिंदी को लेकर के या बाकी सब्जेक्ट को लेकर के? मतलब सबसे पहली बात तो जो भी मतलब मेरा ज्यादातर सेल्फ स्टडी ही था, क्योंकि एरा वर्ल्ड से मैं 2020 से ही जुड़ा हुआ हूँ, उसकी शुरुआत अच्छा, से ही, बहुत जब बढ़िया। डिजिटल आई सर। संदीप सर को व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानता हूँ, काफी अच्छे व्यक्ति हैं। उस मेरे पास एक्चुअली पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने मुझे टेस्ट लिया लिखने के लिए दिया, स्पेशली जो पीसीएस में एग्जाम दिया गया, पीसीएस मेंस का मैंने टेस्ट लिया। हालांकि पीसीएस में मेरा सिविल्स में सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ जो मैंने लिखते थे हिंदी के पेपर जो लिखते थे, उसका मुझे लाभ यहाँ पे इनडायरेक्टली मिला, तो ये मैं स्किप नहीं कर सकता। और आरओ का इन्होंने शुरू मटेरियल बनाया था, जो वस्तुनिष्ठ का होता है, हिंदी वस्तुनिष्ठ, और कुछ टेस्ट भी थे, तो उसको भी मैंने कुछ लिखा था, तो उससे काफी मेरी हेल्प हो गई। अच्छा, तो अभी जैसे देखो अब ये प्रिपरेशन की जर्नी जो है, आई थिंक आपने 2017 में शुरू किया था, 2017 में जी, आप 2017 में ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद 2000। उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन में लगे थे। तो अच्छा एक बात बताइए, एक्चुअली देखो आप बच्चे जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी बहुत सारी कमियां नीचे आ जाती हैं, बहुत सारी कमियां आपकी एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि मतलब मुझे आपको किस तरह से थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी कि ताकि ये सिलेक्शन पहले हो जाता, तो ऐसी कुछ तो कमी आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया होगा या आपने देखा होगा कि मेरी क्या गलती रह जाती थी, तो थोड़ा उसको बताइए आप। सर, जैसे कि 2017 से, क्योंकि ये तैयारी का जो माहौल होता है वो काफी एक्टिव होता है, काफी कॉम्पिटिटिव होता है, तो अपने आप को इसमें ढाले रखना, अपने आप को इसमें बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी स्तर की है। और मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ज्यादातर मतलब कभी इलाहाबाद में रह करके कभी पढ़ाई नहीं किया, हालांकि आता जाता रहता था, लेकिन मैं घर पर ज्यादा पढ़ाई किया हूँ। तो मेरे सिचुएशन से ऐसे थे, बैकग्राउंड ही ऐसा था कि उसको ही मैंने मोटिवेशन बना लिया कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, जैसे मेरे घर में काफी लोग जैसे कृषि से हम लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं, जैसे दुकान है छोटी सी वो चला लेते हैं, और मेरे भाई लोग जो है वो प्राइवेट में काम करते थे, तो उनको देख करके मुझे लगता था कि नहीं, मुझे प्राइवेट तो नहीं करना है, कम से कम गवर्नमेंट जॉब करनी, जो भी करना है। तो उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी, और मैंने अपना जो है कि लक्ष्य नहीं छोड़ा, मतलब मुझे सिविल से ही कुछ ना कुछ प्राप्त करना था। मेरा स्पेसिफिक कोई वो जैसे टारगेट नहीं था कि मुझे जो है पीसीएस में अगर कोई मुझे पद मिल जाए, मेरा लक्ष्य था कि मुझे जॉब लेनी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो ये मेरा वो नहीं था। लेकिन आप जैसे समीक्षा अधिकारी में चयन होने पर मुझे लगता है कि मुझे सिविल्स का कोई पद मतलब लेना चाहिए, उसमें बिल्कुल मुझे ज्यादा बिल्कुल। इंटरेस्ट। देखिए एक तो आपका एक चीज होता है कि एक तो स्टेबिलिटी आ गई, अब ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना एक सोशल प्रेशर, जो सोशल स्टेगमा लोग लगा देते हैं कि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो क्या हो रहा है, तो एक चीज से तो आपका निकला और अभी आपकी एज वगैरह भी बची हुई है, काफी अच्छे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी सिविल का भी है, आप यूपीएससी भी दे सकते हो, यूपीपीसीएस भी आपके सामने है। तो सवाल यही होता है कि जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है ना कि काफी फ्रस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम लोग तो इतने बच्चों को हैंडल करते हैं, जब प्रीलिम्स के एग्जाम्स होते हैं तो काफी बच्चे का मैसेज आ जाता है, सर सोचता हूँ इस बार छोड़ दूँ अगले बार छोड़ करूँ, फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे लोगों का होता है, किसी का नहीं होता है। तो एक चीजें तो होती है कि आप एक मोटिवेशन तो होना चाहिए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे जाना ही नहीं था भाई, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं था, मैंने अपना एम बनाया कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में आना है। अब सवाल ये होता है कि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के डिसीजन लेते हैं तो आप क्या कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, हमारे को बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो अभी रिव्यू ऑफिसर का जॉब का समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आने वाला भी है, तो आप उनको क्या कहोगे कि कैसे उस मान लो कोई बच्चा शुरुआत ही कर रहा है तो उसको कैसे आप गाइड करोगे, तो एकदम बेसिक से बताएगा क्योंकि बहुत ऐसे सबसे बच्चे हैं ना जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ठीक है। पहले मैं अपने आप को सबसे समझूंगा कि मैं गाइड कर पा रहा हूँ किसी को, शायद मेरे इंफॉर्मेशन से अगर गाइडेंस किसी को बिल्कुल मिलती है तो बिल्कुल मेरे होता है लिए ऐसा, अच्छी देखिए बात टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है,
तो बच्चों को मिलता है, यदि प्रॉपर गाइडेंस, सही गाइडेंस कोई बताए तो बेनिफिट्स मिलते हैं। जी बताइए। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जैसे मोटिवेशन के दौरान अगर जैसे कोई व्यक्ति हो आपके साथ में, जो टीनियर हो, जूनियर हो, व्हाटएवर जो भी हो, आपके मित्र हों या फिर कोई भी हो, आपके गुरु जी हों, तो उनसे सहायता लेनी चाहिए आपको। जैसे आप काफी सारी चीजें कभी कभी लोग बहुत फील करते हैं तो उनसे बातें करनी चाहिए। कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो उनसे थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए ये सारी चीजें। तो इसमें जो गाइडेंस की चीजें हैं, जैसे संदीप सर से मैं काफी गाइडेंस लिया हूँ, और एक मेरे गुरु जी हैं लालवंत प्रताप सिंह जी, उनसे भी मैं काफी गाइडेंस लिया हूँ। जब भी मुझे लो फील होता था या मोटिवेटेड, तो ऐसे कुछ व्यक्तियों को, जो भी मतलब स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ऐसे कुछ व्यक्तियों को आप अपने आसपास रखते हैं जो आपको मतलब समझते हो, आपके चीजों को हैंडल कर पाते हो। जैसे आप जब लो फील करते हैं तो उनसे बात करके आप मोटिवेट फील करते हैं। जी जी तो एक चीज ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको अपने एम के प्रति दृढ़ संकल्पित होना है। जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी, ये मेरा एम तो पक्का था। अब लेकिन ये होता है कि अब किस सेक्टर में कहाँ मिलेगा, ये भी है कि मैं एसएससी और रेलवे का जो है उतना एग्जाम नहीं दिया हूँ अलग। जैसे ये UP SSSC और UPSC के एग्जाम से ही मेरा होता था ज्यादातर, क्योंकि अच्छा। ये ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होते हैं, HindiGS और थोड़ा बहुत रीजनिंग ये सब रहता है इसमें, तो इसी पे मेरा फोकस था। तो अपने लक्ष्य को मतलब अपने स्टेट को, अपने स्टेटा को आप पहचाने कि किस चीज में मेरा मतलब सिविल्स में मेरा वो है फोकस पोटेंशियल है, या फिर जिसमें भी आपका फोकस पोटेंशियल उसको पहचाने, या फिर इससे आप डिस्कस करें जो भी आपके सीनियर हों, मेंटोर हों, या गाइड कर सकते जिनको एक्सपीरियंस हो, उनसे आप बिल्कुल मतलब थोड़ा बिल्कुल कंसल्ट करें कि मेरा किस मतलब मेरा इसमें रिजल्ट आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। मेरे रिजल्ट आ रहे थे क्योंकि तो मैं अभी 18 से एग्जाम दे रहा था तरीका, तो मैं 5 बार मेंस लिख चुका हूँ PCS लगातार, 18, 19, 20, 21 इस बार मैंने PCS नहीं दिया क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर बिल्कुल अच्छे से पूरी ऊर्जा लगा करके दूंगा। हाँ, कहीं पे यदि और मान लो आप जी कहीं रुक रहे हो तो थोड़ा सा उसको रुक करके रिव्यू करने की जरूरत जी हो वही, तो जी। मैं थोड़ा अपना उसमें मैं समीक्षा करूंगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी तो मैं अपनी समीक्षा करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल होना तो चाहिए। इसमें हर मैं कुछ इंसान को अपनी समीक्षा तो जरूर करनी चाहिए, भले किसी को बताए या ना बताए, लेकिन होना चाहिए, अपना रिव्यू तो होना चाहिए, आपके पूरे क्योंकि साल का लेखा जोखा होना चाहिए। जी जी तो अगर कोई भी व्यक्ति, जी जी बोलिए बोलिए। मतलब मेरा मानना यही है कि कोई भी व्यक्ति होता है अगर वो किसी को अच्छे समझ सकता है तो वो खुद है, मतलब जो कोई अपने अच्छे समझ सकता है, तो जरूरत होती है थोड़ा समय देने की। बिल्कुल बिल्कुल। आ मुकेश जी, ठीक एक बात मैं पूछूंगा कि जैसे देखो, एक चीज होता है, मैं बहुत ऐसे बच्चे को जानता हूं और काफी हमारे क्लासमेट भी रहे हैं। एक व्यक्ति होता है ना कि पढ़ने पे ज्यादा फोकस करता है, एक मतलब कि उनके पास देखोगे आप तो दिन रात पढ़ ही रहे, ठीक है, जब भी देखो किताबें कॉपी लेकर के वो अपना पढ़ते ही चले जा रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ क्लियर आ रही है सर। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना हाँ कि वो पढ़ते ही रहते हैं लेकिन कभी पेपर नहीं लगाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर सी हो, क्योंकि देखो, या कोई टेस्ट पेपर हो, वो लगाना नहीं चाहते, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि मुझसे होगा नहीं। अब उनका ये स्टेटमेंट आता है कि पहले मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूं। पूरा सिलेबस कभी किसी का कवर होता नहीं है। तो ये थोड़ा आप बताओ कि कैसे व्यक्ति अपने स्टडी को लेकर के और कैसे अपने टेस्ट को लेकर के करे, क्योंकि जब तक आप अपना रिव्यू नहीं करते हो कि मैंने क्या पढ़ा, मेरे दिमाग में क्या बैठ रहा है, और आप पढ़ते जा रहे हैं, आप कॉपी पे कॉपी, कलम, बुक पे बुक, पेन चला कर पूरी किताबें रंग दे रहे हैं, लेकिन आपको कुछ याद है, वही चीजें एग्जाम में आ रहा है और आपसे हो नहीं रहा है। तो क्या आपको यदि वेटेज देना हो तो आप टेस्ट को लेकर के और स्टडी को लेकर आप कैसे उसको बताएंगे कि कैसे उसको मैनेज करे व्यक्ति? मतलब मैं ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, आजकल जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आप 50% पढ़ रहे हैं तो 50% आपको प्रैक्टिस जरूरी है, ये सभी एग्जाम्स के लिए लगभग है। और चाहे प्री मेंस, चाहे सिविल्स का ले लीजिए, बैंकिंग का ले लीजिए, वो भी लीजिए, बैंकिंग में थोड़ा प्रैक्टिस और परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन जैसे अगर किसी का बेसिक तैयार हो गया हो तो वो उसको प्रैक्टिस पर ही फोकस करना चाहिए, जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है, मैं भी अपने आसपास के लोगों में कई लोगों को जानता हूँ कि वो कहते हैं कि मतलब मैं पढ़ ही रहा हूँ क्योंकि मतलब पीछे की चीजें भूली जा रही हैं, या फिर पीछे की चीजें भूली जा रही हैं, फिर आगे उसको और रिवीजन करना है, या इसी के नाम से वो बस पढ़ते ही रहते हैं। तो
तो उनसे मतलब मेरा एक ही जो सलाह रहती है कि आप उन चीजों को पढ़ने के बजाय उनको प्रैक्टिस करेंगे, उसी विषय संबंधित प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ज्यादा आउटपुट आएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो एक फियर होता है प्रैक्टिस ना करने का, उससे आउटकम करने का ये होता है कि आप जो भी प्रैक्टिस करें उसके रिजल्ट के बारे में आप सोचे ही नहीं, बस आप प्रैक्टिस करें और उसमें आप देखें कि कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, उसको देखें थोड़ा। उस पर जब प्रैक्टिस पे आप समय देने लगेंगे तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस का भी आउटकम ज्यादा होने लगता है। ये चीजें समय लेती हैं, कम से कम 5-6 महीने का, क्योंकि तो जो पढ़ ही रहा है वो अगर प्रैक्टिस में आता है एकदम से तो फिर वहां पे उसको रिजल्ट उतना नहीं मिलता, तो फिर वो क्या करता है कि फिर लौट जाता है पढ़ाई की तरफ कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो डिमोटिवेशन टाइप उसके का वो लिए फील करते हैं एक्चुअली, ऐसा बोलता है आपने। मैं इतना पढ़ा हूँ और मुझे इतना आ नहीं रहा, ये सब चीजें फिर मैं कहते फिर वो पढ़ने की तरफ चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसमें कम से कम 5-6 महीने का समय लगता है जो प्रैक्टिस का आउटकम्स आने में, उसको अपने अनुसार ढालना पड़ता है। क्योंकि आप थ्योरी से एकदम क्वेश्चन में जा रहे हैं तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें जो है मिसमैच होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, मिस कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है। कंफ्यूजन अब जैसे हम लोग अगर बेसिक पढ़ के जाते हैं कितना भी मतलब एग्जाम्स में, तो फिर घर आके देखते हैं वही कि अरे ये तो बहुत सारा क्वेश्चन था, कैसे कंफ्यूजन होके मतलब गलत हो गए। तो एग्जाम हाल के लिए प्रिपेयर होने से पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्री हो या मेन, ये मेरा। अच्छा, तो क्या इसके लिए के जैसे मान लो करेंट अफेयर्स है तो, या जो हिस्ट्री का क्वेश्चन सही है, क्या इन सब के लिए आपने वो अपना यूपीपीएससी के लिए जो नोट्स बनाया था वही आपको काम आया, या स्पेशली कुछ इसमें आपने अलग से कुछ किया था? स्पेशली मैं बताऊं, मैंने विशेष कोई नोट्स नहीं बनाए थे किसी विषय के। अच्छा, मैं ऐसा मानता हूँ जो बुक्स आती हैं वो ऑलमोस्ट नोट्स ही होते हैं, उनको बस कुछ पॉइंट्स आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा अंडर जो भी मतलब जो चीजें जिस मतलब मेरा मानना है जैसे मैं रिवाइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं किस चीज में थोड़ा लेफ्ट आउट कर रहा हूँ, मतलब कमी है किस चीज में, तो मैं उसी को रिविजन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे हिस्ट्री की बात करें आप, तो हिस्ट्री में जैसे अभी क्वेश्चन आ जाते हैं अगर साउथ के जो मान लीजिए मेडाइवल से आ गए, साउथ के डायनेस्टी से क्वेश्चन आ गया तो बोलते हैं कि पेपर कठिन आ गया, वो पेपर कठिन नहीं होता, वो ऑलमोस्ट आपके सिलेबस का पार्ट ही है, बस आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग इसको लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं साउथ के जो डायनेस्टी उन्हीं को पढ़ डालता हूँ, और जैसे मराठा अंपायर हो गया, कर्नाटिक युद्ध, कर्नाटिक जो कर्नाटक के युद्ध थे वो हो गया, उनसे क्वेश्चन आते हैं तो कहा जाता है कि जनरली क्वेश्चन कठिन है या फिर मतलब लीक से हटकर है, लेकिन वो आपके पास सिलेबस का हिस्सा है, वो बेसिक है, ऐसा नहीं कि वो अलग है चीजें। तो मैं उन चीजों पर ज्यादा फोकस करता हूँ थोड़ा। तो इसके मतलब ये हर सब्जेक्ट के लिए है कि जो थोड़ा जैसे जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं जो लूसेंट्स में मिल जाते हैं तो वो तो आपको आना ही चाहिए। तो उसके साथ आप जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे कर्नाटक का युद्ध हुआ पहला दूसरा तीसरा, उसके पीछे कारण क्या थे, आजकल अब तथ्य छोड़ दिए, एग्जाम्स में तथ्य नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं उसके पीछे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको लूसेंट से अब मतलब काम उतना नहीं चलता है। तो फिर कहा जाता है कि पेपर कठिन आ गया है, पेपर मतलब अपने आप वही होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए लेकिन मतलब फिर भी पेपर अटेम्प्ट करने लायक होता है, उसमें पास भी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा मतलब पढ़ने का। और करेंट अफेयर्स का क्या किया आपने? करंट अफेयर सर जैसे क्योंकि मेरा यूपी के एग्जाम्स पे फोकस था, तो यूपी के करंट अफेयर यूट्यूब चैनल्स हैं कई सारे, और एरा वर्ल्ड भी है इसमें, तो इन्होंने भी मतलब ये भी काफी अच्छा कंपाइलेशन कर हाँ, रखा है, वो तो मंथली उनका भी मैं कंपाइलेशन आता पढ़ा है एरा था वर्ल्ड मंथली का, आपको करेंट का तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। कंपाइलेशन से ही मैं पढ़ लेता हूँ, और जनरली कोई भी करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए उसको रेगुलर अगर लिख रहे हैं तो फिर आप रिविजन करने में कोई दिक्कत, अच्छा, क्योंकि बिल्कुल। ये पीसीएस में लगभग वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतना डीप आता नहीं कोई। ओके ओके, अभी अभी आपकी ज्वाइनिंग कब होगी आपकी? अभी ट्रेनिंग पीरियड में आप जाएंगे या? अभी जल्दी होने वाली है, अच्छा, अभी स्टार्ट होने वाली है आपकी? अभी ट्रेनिंग है कुछ आइडिया नहीं, जी विभागीय कुछ होता है उसका आइडिया नहीं है मुझे, विभागीय अच्छा, कुछ ट्रेनिंग होता है उसका विभागीय ट्रेनिंग होती है। तो आप जाने पे भी लोगों का पता मतलब जॉब प्रोफाइल क्या होता है? मतलब वो सेक्रेटरिएट में बैठना होता है और कहीं पे भी जो जो रिव्यू ऑफिसर में जो सेलेक्ट होते होंगे तो? चलेगा। रिव्यू ऑफिसर में होता है सर कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट
बनते हैं, जो भी मतलब रिलीज होते हैं वहां से डॉक्यूमेंट, जैसे क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन, जैसे किसी की न्यू ईयर स्थानांतरण वगैरह, सर्कुलेशन जितने टाइप भी का, सरकारी सर्कुलर वगैरह भी जारी कर्मचारी होता हैं होगा। सारे चीज वो लोग हम लोग करते हैं। और वहां पे सचिवालय की बिल्डिंग है चार पांच, तो अच्छा उन चार पांच बिल्डिंग्स में अलग अलग विभाग हैं, करीब 90 से 95 विभाग हैं। तो उन विभाग में से हम लोग विभाग अलॉट हो जाएगा और उसी में हम लोग रहेंगे। हमारे हमारे जो मतलब हमारे सहायक रहेंगे, सहायक समीक्षा अधिकारी, और उनके नीचे क्लर्सियल लेवल के सब लोग रहेंगे, अच्छा तो अच्छा अच्छा मतलब उन लोगों की आपका सहायता, डायरेक्ट उन पब्लिक लोगों का हम डीलिंग नहीं लोग है, मतलब आपका डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के साथ। पब्लिक अच्छा, ओके। तो प्रोफाइल तो काफ़ी अच्छी है, अब प्रॉपर लखनऊ में आपकी पोस्टिंग हो रही है तो बहुत बढ़िया है। आगे का क्या प्लानिंग है, मतलब अभी। पोस्ट भी ऐसा, तो फिर और अच्छी चीजें हैं जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जब आपकी कम्युनिटी से आपके स्टूडेंट्स जब आगे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए लगे हुए हैं आप, ये तो फुल्ली आपके मेहनत का फल है, लेकिन यदि थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हम लोगों की तरफ से किसी भी स्टूडेंट को हो जाता है तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि चलो कम से कम आप आज के जमाने में किसी को उसके ड्रीम को पाने में यदि थोड़ी सी भी मदद आपकी हो जाती है तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। और सच्चाई भी है कि आज का जो समय है इतना रील का जमाना है, रील देख करके इतना मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन रियल में जब एग्जाम्स की तैयारी रियल में किया जाए तब समझ में आता है कि एग्जाम होता क्या है और कैसे उसको, क्योंकि अभी आप भी देखे ही होंगे कि आज एक तरह का वो क्या होता रील के जमाने में सर इतना कहना चाहूंगा, वो 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के रील्स में लोगों को पाने की चाह और जल्दी होगी, जबकि इसमें धैर्य धैर्य रखना होता है है। सरकारी एग्जाम्स। तो बिल्कुल, धैर्य तो है। ये चीजों से प्रयास करें, उसको एक मनोरंजक एक्टिविटी की तरह यूज करें, तो इस चीजों से ज्यादा दूर रहें तभी अच्छा ही रहेगा। क्योंकि तो मैं छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट सब जो सोशल मीडिया था, मुझे जो काफी प्रभाव पड़ता है वो स्क्रॉल करते करते कितने टाइम निकल जाते हैं वो फिर बाद में समझ में आता है। तो बिल्कुल इन चीजों से ज्यादा दूर रहने सोशल मीडिया से प्रयास करिए दूर रहने का। वैसे रह तो नहीं सकता कोई, क्योंकि ऑलमोस्ट भाई डिजिटल जमाना है, तो फिर कैसे दूर रह सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए थोड़ा कि इन चीजों को, और आउटपुट अगर अच्छी लानी है तो इन चीजों के डिस्ट्रैक्शन है, इन चीजों से अगर थोड़ा अलग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, ठीक है मुकेश जी, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया हमें और काफी आपने अच्छी बातें बताओ, रियलिस्टिक बातें आपने कही कि जैसे जनरली जो इस एक सिलेक्टेड व्यक्ति करना करना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों को देख करके, आप लोगों को सुन करके बहुत लोग मोटिवेटेड होते हैं, बहुत लोग उस तरह की कोशिश करते हैं कि हम भी सक्सेस एग्जाम में पाए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से आप यूपीपीसीएस में भी आए और मैं आपका फिर से एक बार और एक बार इंटरव्यू करूं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। जी सर।